मेरी बकवास सुनना फिर उस बकवास को समझना, मेरी बकवास सुनना फिर उस बकवास को समझना, तेरे अलावा और किसी के बस की बात नहीं। कि तुझे ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि तू सबसे खास है, ये तुझे पता ही नहीं है। हमारी रोज बात ना होना लेकिन रोज बातों की तरह होना, मुझे हंसाना कहते हैं, तुझे अच्छे से आता है, मेरी परेशानी को बताना कैसे है, ये तुझे अच्छे से आता है। आंखें बंद करके जिस पे भरोसा कर सकती हूँ मैं, आंखें बंद करके जिस पे भरोसा हो सकता है, सच कहूँ सच्ची यार तू ही वही एक मेरा साथी है। हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कभी कभी चलता है। मुझे पता है तुम्हें हजम नहीं होगा। हर किसी की ज़िंदगी में तुमसे कोई होना चाहिए, कि हर किसी की ज़िंदगी में तुमसे कोई होना चाहिए, तू बेस्ट है यार मेरे लिए, तुझे ये पता होना चाहिए। शुरुआत में हमारी बिल्कुल बात नहीं होती थी, शुरुआत में तो इंसान ने अपने बर्थडे पर सबको चॉकलेट दी थी, मुझे एक टॉफ़ी दी थी, और जब तो मेरी दुश्मन थी, मैंने कहा मैं इसे बात नहीं करूँगी कभी ज़िंदगी में। अब हमारे बीच इतनी पर्सनल बातें होती हैं जिससे हमारी सारी दोस्तों पता होती है, अब वो इंसान कहाँ मिला जो तुझसा मुझे मिल गया, कि अब वो इंसान कहाँ मिलते हैं जो तुझसा मुझे मिल गया, तू बेस्ट है यार तुझे पता ही नहीं है। हम दोस्त कैसे बने थे याद है, कैसे बने थे? टॉफी थी। रुको रुको मैं बताती हूँ, हमारी इस तरह गहरी दोस्ती शुरुआत हुई कि इसने बर्थडे पर टॉफ़ी दी थी, मैंने कहा कि सर ने मुझे बोला कि बेटा उसको क्यों टॉफ़ी दे रही हो, तो बोल रही सर क्या हो गया मुझसे ये बड़ी है थोड़ी सी, बोलते सर वो तो छोटी है चलता है इतना, एक टॉफ़ी से मान जाएगी, मैंने कहा इसको मैं बताऊँगी। फिर पीछे मुड़ मुड़ के इसके देखना, मुझसे बातें करना, कुछ कुछ चीज़ों के लिए पूछना, कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ रही थी। और फिर जब मुझसे इसने बात की, कुछ चीज़ें शेयर की, तो इतना आज की बॉन्डिंग में ये है कि हम दोनों में कोई बात नहीं छुपी है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगी, तुम दोनों मेरे लिए बेस्ट हो यार, ये तुम दोनों को पता ही नहीं है। थैंक यू।